सो ये है फाइनल हमारा स्टैश जो दो कट्टों में से निकला है अभी, ये वाले। सो ये कुछ है देखो भाई, बहुत ही शानदार बम है ये देखो, कितना मोटा सेल बम टाइप है, खतरनाक ही लग रहा है देखो। तो भाइयों काफी टाइम से बंदों की कमेंट आ रही थी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भाइयों की कि भाई अपना क्रैकर का स्टैश दिखाओ, जो भी क्रैकर में लेके आए हो रेट वगैरह सब बताओ आपको। सो आज वीडियो भाई क्रैकर स्टैश होने वाली है, एक कट्टा ये रखा, एक कट्टा और मैं लेके आता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। एक कट्टा हमारा ये वाला है बम का, ये देखो कि दो कट्टे हैं अभी और बाकी मैंने स्टॉक कर रखा है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ इनमें क्या क्या मैं लेके आया हूँ और रेडी बताऊंगा तुम लोगों को। सो पहले भाई इस वाले कट्टे को ओपन करते हैं, इसको करते हैं, गिरा पिड़ा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा गिर रहा है ये। पहले इसमें से निकालते हैं क्या क्या बम मैं इसमें लेके आया हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ। बहुत भारी कट्टा हो रहा है इस टाइम पे। हाँ सो भाई देखो, पहले मैं लेके आया हूँ दो रॉकेट, सबसे पहले निकले हैं ये दो रॉकेट के डिब्बे। देखो इसमें देखो, एक देखो पिचक भी गया बेचारा हमारा। तो दो डब्बे मैं ये लेके आया था, मेरे को 150 रुपये का एक डब्बा पड़ा था, ये सीटी वाला रॉकेट है, ठीक है। और मैं ये लेके आया था पंच अवतार, ये भाई आपको 120 रुपये का मिलेगा, 120 रुपये के 5 स्काई शॉट आते हैं देखो ये वाले, कि 5 बार ऊपर मतलब सिंगल शॉट है, 5 अलग अलग तरह के स्काई शॉट है, ठीक है, 120 रुपये मिल जाएगा आपको। इसकी टेस्टिंग वीडियो बहुत जल्द चैनल पर मिलेगी। तो ये मैं लाया हूँ 3-4 डब्बे ये लेके आया हूँ मैं, और बाकी मेरे पे ना थोड़े ना पिछले साल के भी बिजली बम पड़े हुए हैं भाई, मैं कोऑर्डिनेशन के लेके आया था। हाँ ये किया, एक थोड़ा सा मैंने टेस्टिंग भी करी थी, खुला हुआ रखा है, ये कोऑर्डिनेशन का बिजली बम का पैकेट था भाई। और ये इतना खतरनाक बिजली बम है ना, बहुत ही तेज फटता है, मतलब कोई बिजली बम टक्कर में नहीं है इसके, ठीक है। तो 4 पैकेट बचे थे तो इनको भी टेस्ट करेंगे। बाकी मैं ये लेके आया था, ये देखो भाई, ये टर्की ब्रांड का मैं ले गया था बिजली बम का, 10 पैकेट ले गया था, एक पैकेट में 100 बम है, ये मैं 350-400 ऐसे कुछ करके ले गया था, ये 10 पैकेट आए थे, मतलब पूरी यूनिट आई थी मेरी 350-400 रुपये के अंदर, ठीक है। इसको भी रखते हैं साइड, ये वही है अपना मज़ा लग जाता है इनको, फेंको मोमबत्ती से लगा लगा के, वैसे ज़्यादा खास में कोई शौक नहीं इनका। और बाकी थोड़े कुछ और डब्बे, कोई पंच अवतार ये भी साइड रख देते हैं, इधर हो गए पंच अवतार यहाँ रख देते हैं अपने। और बाकी कुछ फुलझड़ियाँ लाए हूँ, 30 cm की है, 175 रुपये की मेरे को 5 डब्बियाँ पड़ी है। देखो सारे बम मेरे मुड़ मुड़ा गए हैं, अब दोबारा से मेरे को अच्छे से रखने पड़ेंगे, क्योंकि लोड वोड हुआ है ना, कट्टा बहुत भारी है सही बताऊँ तो, ऐसे डिब्बे मुड़ गए मेरे बम के। 175 रुपये की 5 मेरे को मिले थे ये 30 सेंटीमीटर वाले, उनको भी साइड रखेंगे। बाकी ये लाया था मैं सुपर बुलेट, ये मैंने थोड़े टेस्ट भी करे थे, अपने वीडियो में देखा होगा मेरे मिनी ब्लॉग में। ये देखो बुलेट का साइज़ देखो एक बारी, ये देखो इतना बड़ा बुलेट है और बहुत ही खतरनाक फटता है बुलेट। बुलेट के मैं लाया था 2-3 डब्बे इसके लेके आया था, क्योंकि ज़्यादा बुलेट मेरे को शौक नहीं है, वही अपना टेस्टिंग के लिए आया था, ठीक है। तो ये बुलेट लाया था 2-3 डब्बे ये थे, और बाकी ये लेके आया हूँ मैं बीड़ी बम भाई, ये 100 रुपये का मैं एक पूरा डंडा ले गया था 100 रुपये में, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे निकल भी रखे हैं, पैकेट खुल गया था, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, क्रैकर बहुत मैं पहले ला के रख दिए थे मैंने, तो थोड़ा सा वही है कि अपना क्या बोलूँ, पैकेट खुल गए, ऐसे होते सोते पड़े थे, तो कोई नहीं इनको सेट करके रखेंगे। बीडी बम तो इसमें पड़े भी हैं, निकल गए पैकेट में से काफ़ी सारे डिब्बे, तो देखो ये देखो ये निकल भी रखे हैं इसके, कोई नहीं इनको इधर करो साइड कर दो इसको भी। तो भाई ये 555 है, ये मैंने 2 साल तक फोड़े हैं, मतलब मैंने पिछले साल भी लिए तो उससे पिछले साल भी फोड़े मैंने, और ये बम कसम से नाजी की तरह फटता है बिल्कुल, बहुत ही तेज़ फटता है बम। ये देखो ये इस ब्रांड का लेके आया था, मेरे को 150 रुपये का एक बॉक्स पड़ा था ये, ठीक है, दत्ता वालों से लेके आया हूँ, ऐसे और जगह पे मैंने उस टाइम पे देखा था तो 130 रुपये का कुछ का मिल रहा था। बाकी ये पता नहीं मेरे को कि वीडियो में कुछ बोल रहे हो, उनके पास कुछ रेट मिल रहे हो, बाकी मैं 150 रुपये का लाया था, अब तो और महंगा हो जाएगा ये, देखो दिवाली जैसे पास आएगी सारे बम के रेट बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ है देखो भाई, बहुत ही शानदार बम है ये देखो, कितना मोटा सेल बम टाइप है, खतरनाक ही लग रहा है देखो। तो ये भी टेस्टिंग करेंगे इसकी भी, ठीक है, इसका मैं 1-2 डब्बे इसके लिए गया था, और बम बाकी मैंने स्टॉक कर रखे हैं, बाकी दिखाएंगे आने वाली वीडियो में, और भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और ये लाया था मैं कोऑर्डिनेशन का ज़मीन चक्कर, ठीक है, ये कुछ है चक्री है कि भाई मेरे को पड़े थे 100 रुपये के, 100 रुपये मतलब एक डब्बा पड़ा था मेरे को, ये मैं 2-3 डब्बे इसके लिए गया था कोऑर्डिनेशन चक्कर के, बच्चे वाले आइटम है सारे, मतलब 3 डंडे 350 रुपये के पड़े थे मेरे को ये, ठीक है। तो और मैं क्या लाया हूँ दिखाता हूँ आपको,
म्यूजिकल व्हील मरकरी कंपनी की, ये वही सीटी वाली जो चरखड़ी होती है ना, वो है ये। ठीक है, मतलब सू सू करके घूमती हो वही समझ लो। आगे टेस्टिंग करके देखेंगे भाई कैसी चल रही है, नहीं चल रही। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसको भी साइड रखते हैं। और भाई ये देखो, एक फॉइल वाला मैं लेके आया था, क्लासिक फॉइल, ये भी लाया था मैं। देखो अब टेस्टिंग करके पता चलेगा, ये देखो फॉइल लगा रखा है, टेस्टिंग करके पता चलेगा भाई कैसा फट रहा है, क्या सीन है। क्योंकि फिलहाल ना सही बताऊँ तो मेरे को रैपिंग वगैरह इसकी बड़ी बेकार सी लग रही है। गम की 100 रुपये का डब्बा मेरे को एक पड़ा था, ये देखो दिखाऊँ तुम्हें, ये दत्ता वालों का थोड़ा कलेक्शन दिखा रहा हूँ तुमको मैं। ठीक है ना, क्लासिक फॉइल जैसे 100 रुपये का एक डब्बा पड़ा था मेरे को। ठीक है, सो इसकी टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे भाई क्या फट रहा है, ना जी ज़्यादा फट रहा है, नहीं फट रहा। देखते हैं। और मैं ये लेके आया था, ये हमारे हैं भाई मिनी बुलेट जिसे कहते हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया फटते हैं, मैंने फोड़े भी हैं, वीडियो में आपने देखा होगा, मतलब मज़ा आता है इनको फोड़ने में। तो मैं पूरी यूनिट लेके आया था ये, और 350 रुपये की कुछ मेरे को एक यूनिट पड़ी थी पूरी 10 डिब्बे। ठीक है ना, तो सही है, काफ़ी मतलब ठीक ठाक रेट में ही मिल गया। पहले ले आओ तो ठीक ठाक रेट में मिल जाता है, बाद में तो भाई बहुत ही रेट बढ़ जाते हैं बम वगैरह के। ठीक है, तो उसको भी साइड रखते हैं, राजेश्वरी कंपनी के हैं। ठीक है, तो उसको भी यहीं रख दो फिलहाल। और बाकी मैं ये लेके आया था 5 पीस, ये बड़े वाले बिग साइज़ के वो हैं अनार जो होते हैं, मट्टी वाले, कुल्लड़ वाले जो भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो खोल के दिखाऊं तो एक मिनट जा, ये देखो भाई साइज़ काफ़ी ज़्यादा बिग है इनका। और पता है क्या, मट्टी वाला अनार की ये खासियत है, इनकी टाइमिंग बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, जलाओगे ना, आपने जलाया भी होगा। सो ये लेके आया था मैं, बाकी और उस कट्टे में रखे वो भी दिखाता हूँ आपको चेक करके। ठीक है, ये मेरे को पड़ा था भाई 250 रुपये का। ठीक है, 250 का मेरे को ये एक डब्बा पड़ा था। ठीक है, और दिवाली पे यही जो डब्बा है ना 450-350 का मिलेगा तुमको। ठीक है, तो अभी ले लो। और एक मेरे भाई ने बोला था भाई 2000 जिसका बजट हो उसको भाई मतलब उसके ऊपर वीडियो बनाओ मैं, कि यार कैसे अपना पूरा कट्टा भर के बमला सकता है 2000 के बजट में। तो उसके ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, तो देख लेना भाई अगर आप देख रहे हो वीडियो मेरी। बाकी इसमें ये पड़ा है एक, ये फ्लावर पॉट है, ये छोटा सा लिया है ना मैं टेस्टिंग के लिए, छोटा वाला जो होता है ना अनार, समझा, छोटा साइज का है बिल्कुल, मिनी होता ना, मिनी साइज वाले। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया है, उसको भी रखते हैं अभी साइड। ये मेरे को 60 रुपये का पड़ा था। ठीक है, और बाकी ये एक डब्बा वही मिनी बुलेट, ये भी राजेश्वरी का है, सारे राजेश्वरी कंपनी के लाया हूँ मैं, ज़्यादा वैसे नहीं लाया, मतलब लोकल वाला कुछ भी सीन नहीं है, जो होते हैं ना लहसुन बम जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो ये यहाँ पे रख दो, और भी हैं हमारे लहसुन बम, इनको यहाँ पे रख दो। ठीक है, बाकी अभी ये वाला कट्टा हो गया खाली, और इस कट्टे में दिखा दो, सबसे बाहरी वाला ये कट्टा है, और सबसे मस्त चीज़ जो है ना इसी कट्टे में रखी पड़ी है। और भैया बहुत भारी है भाई, तो इसमें अब मैं थोड़े मोटे वाले बम भी दिखाता हूँ आपको। ये अग्नि क्लासिक बॉम्ब लाया था मैं, ये बालाजी फायरवर्क्स कंपनी करके किसी ने बनाया है। और मतलब ये वाले जो बम है ना भाई, ऐसा बता रहे हैं लोग बाग कि ना ये नाजी से भी तेज फटता है। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि मैंने टेस्टिंग करी है तो उतना तो मेरे को खास रिजल्ट दिखा नहीं। और मेरे को ये एक डब्बा पड़ा है 100 रुपये का। ठीक है, और इसके मैं और भी काफ़ी सारे डब्बे लेके आया हूँ, दिखाऊँ आपको। तो ये मेरा क्या हल्का क्यों लग रहा है यार, भाई हल्का लग रहा है ये, अभी चेक करते हैं इसमें कोई बम बम कम तो नहीं है। हाँ, ये 3-4 डब्बे इसके लेके आया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पूरा नाजी जैसा लगता है, पर नाजी तो नाजी है, ऐसा भी नहीं, बहुत बेकार फटता है, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है इस बम की भी, ये देखो। ठीक है, थोड़ा मैंने इतना बुरा भी नहीं फटता, बढ़िया फटता है, बट वही है नाजी तो नाजी है ना भाई। हाँ, ये खुला हुआ है वाले दिन में, तो मैंने टेस्टिंग करी थी बम की, वही कहूँगा हल्का हल्का क्यों लग रहा है, तो उसमें से मैंने बम फोड़े थे ना कुछ, तो इसलिए हल्का लग रहा है। तो 2-3 डब्बे में इसके लेके आया था, ज़्यादा नहीं लाया, क्योंकि मेरे को यार वो ये ना कि अपना कहीं साउंड निकले ना निकले, सही भी है। बाकी नाजी का भाई बहुत इस टाइम नाजी का तो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, मैंने कम से कम नहीं तो भाई 5-6 दुकानें, समझ रहे हो, फ़ोन कर करके पता कर लिया, सबके रेट ऐसे बढ़ गए, जैसे नाजी ना लेके तुम भाई सोना चांदी हीरा मोती ले रहे हो, ऐसे रेट बढ़ गए बंदे, सीधे मुँह बात भी नहीं कर रहा कोई भाई नाजी के लिए तो। और कह रहे मतलब रेट तक नहीं बता रहे, कह रहे दुकान पर आ जाओ तब मिल जाएगा, ऐसे ही चल रहे। बाकी आने वाली वीडियो में मैं नाजी का ये बताऊंगा कि कहाँ से मिल सकता है और क्या रेट चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि ना बहुत आउट ऑफ स्टॉक है, तो रेट का तो तुम्हें बताइए ऊपर नीचे चल रहा है। बाकी हंटर है कुछ बच्चों के, ये गाइस 300 रुपये का ना पूरा बॉक्स, मतलब पूरा बॉक्स 300 रुपये में, मतलब ये आएंगे अपने कितने
दस वो आएंगे, 10 डंडे 300 रुपए में, ठीक है। हंटर है ये, एक पैकेट में 10 पीस है, ठीक है। ये लाया हूँ मैं 5, कितने लाया था बाकी ये साइड रखते हैं, ये तो बालों वाला सिस्टम है। फुलझड़ी भी लेके आया था मैं गाइस, ये 100 रुपए की 5 पड़ी है मेरे को। और ये है हमारी आजाद है आजीन जो भी है, ठीक है। ये पता नहीं कितने सेंटीमीटर की है और कितने सीएम की, भाई सीएम ही नहीं लिख रहा, पता नहीं क्या है सीन है इनका भी। बाकी ठीक है चलो, तुम्हें रेट से मतलब है ना, ये देख लो मेरे इतनी बड़ी फुलझड़ी है ये, ठीक है। 100 रुपये में 5 डंडे मिल गए। अभी के रेट देखो, मेरे को पता नहीं है कि अभी रेट क्या चल रहे हो, क्योंकि मेरे को 1-2 हफ्ते हो गए होंगे इनको लाए हुए। आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो, दो तीन डब्बे मैं इसके लेके आया था, आई मीन दो तीन यूनिट, ठीक है। इसको भी रखते साइड, बाकी जो और बम है ना वो रख रखा है पेटी में, मैंने दिखाएंगे आने वाली वीडियो में, उसको भी दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को, ठीक है, कोई भी वीडियो मिस ना करो आप। सो ये कॉर्नेशन का एक और ज़मीन चक्कर निकल गया, जिसका रेट मैंने आपको बताया था, उसको भी यहीं रखा। पहले बम सेट करेंगे। और ये देखो भाई, ये जुगाड़ देखो, ये है भाई सेवन कलर शॉट लिखे हैं इन्होंने, लेकिन इसमें भाई जो पीस है ना वो आपको 10 मिलेंगे, 10 स्काई शॉट मिलेंगे कुछ ऐसे। देखो इसमें बकरी बनी पड़ी है भाई, बहुत हैवी स्काई शॉट है। देखो डिब्बा देखो, बहुत हैवी स्काई शॉट है। एक मिनट देखो, बाकी टेस्टिंग करेंगे कैसे क्या है, सब पूरी टेस्टिंग करूँगा बम बम की एक एक से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोकल निकले कुछ निकले। आप देख लेना टेस्टिंग की वीडियो भी, फिर ही लेना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, ये मेरे को भाई पड़े थे 250 रुपये के, ऐसे कुछ पड़े थे, हाँ 250 रुपये के मेरे को पड़े थे आई थिंक। सारे मेरे जितने बम के डिब्बे मंगाए जैसे फटफट आ गए, बड़ा बुरा सा लग रहा है देख के, इतने अच्छे से लाया था मैं। बाकी और दिखाता हूँ और क्या क्या लाया हूँ मैं, और गाइस हाइड्रो के लेके आया हूँ मैं काफ़ी सारे डब्बे, जो छोटे वाले हाइड्रो होते हैं ना, छोटे वाले सुतली बम आप कह सकते हो। तो ये मैं आप खोल के दिखाऊँ तो उसके भी काफ़ी सारे डब्बे लाया हूँ, ये देखो तरह से, हाँ ये खुला हुआ है। तो ये देखो भाई, तो ये कुछ वही छोटे वाले जो होते हैं अपने सुतली बम, आगे फोड़ के पता चलेगा कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या साउंड है इनका, ठीक है। इनको साइड रखते हैं। ये मेरे को 50 रुपये का एक डब्बा पड़ा था, ठीक है, और ये 1-2 हफ्ते पहले के रेट बता रहा हूँ। बाकी ज़्यादा पता नहीं, उतार चढ़ाव आया नहीं आया रेट में, वो पता चलेगा अभी, पता करेंगे कभी शॉप पे जाऊँगा और वीडियो बना के लाऊँगा आपके लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का अनार है, एक आई मेरे को 100 रुपये का एक डब्बा पड़ा था अनार का, ठीक है। अनार वनार तो ऐसे महंगे कर रखे इन्होंने, जबकि अनार वनार का भाई इतना मज़ा नहीं आता चलाने में, आलू बम वगैरह में मज़ा आता है। तो खोल के दिखाऊँगा आपको, देखो भाई एकदम सेम साइज़ है, बिल्कुल फ़र्क नहीं लगेगा आपको अगर आप पास से देखोगे ना, बिल्कुल फ़र्क नहीं लगेगा, बिल्कुल हल्का फुल्का फर्क है, हल्का फुल्का फर्क, देखो बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल हल्का सा फर्क। और ये 100 रुपये का दिया ये 80 रुपये का, बताओ स्काई शॉट ही निकल गया भाई। ये 12 शॉट वाला स्काई शॉट है, एक मिनट को, आज़ाद का है, आज़ाद कंपनी का, अच्छे बम बनाती है आज़ाद कंपनी। इनका क्लासिक बम का मैंने सुना बहुत अच्छे क्लासिक बम है, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आने वाली वीडियो में क्या पता वो भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये मे बी 120 वाला है, 120 रुपये का मेरे को एक पूरा डब्बा पड़ा है, ठीक है। ये 12 बार ऊपर जाकर फटेंगे। और बाकी ये चटर पटर है, ये गाइस थोड़े पिछले साल के हैं, ठीक है, ये पिछले साल के बचे थे मेरे पास, बिल्कुल सील पैक पड़े हैं ये, और इसी साल इनकी एक्सपायरी डेट भी है, दिसंबर 2024। वाओ, तो इस साल पूरे जला के ख़त्म कर दूंगा इनको मैं। और भाई साहब ये देखो भाई, पेटियाँ देखो, इसमें पेटी निकली है, कौन सी 30 शॉट्स की ये पेटी है कुछ। इसको हम अपने बर्थडे पे जलाएंगे, ठीक है, बर्थडे पे जलाएंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इस पेटी का, कैसे स्काई शॉट निकल रहे हैं इसमें। ऐसे बताया जाता है कि जैसे इनों के डिप्पो पे छपे होते हैं ना, जैसे लाइक ऐसे ऐसे फटेंगे ये। अब आके देखो, तो 30 शॉट्स की पेटी है, यहाँ रख देंगे इसको साइड में। और एक और डब्बा हमारा स्काई शॉट का, वही 120 रुपये वाला, इसको भी इधर रखो। और फिर हमारा ये क्या है, ये पेंसिल है, एक मिनट पहले पेंसिल दिखाता हूँ। ये पेंसिल लेके आया था मैं, सिल्वर टॉर्च, ये 100 रुपये का मेरे को एक डब्बा पड़ा है, इसमें कितने पीस है ये नहीं पता मेरे को, 10 पीस बता रहे थे वैसे वो, मे बी 10 पीस ही है इसमें, ठीक है। ये है भाई रॉकेट बॉम्ब, देखो भाई ये वाला रॉकेट है, वो आसमान में जाकर फटता है ना, वो वाला रॉकेट है, ठीक है। ये मेरे को पड़ा था भाई 60 रुपये का एक डब्बा। और ये क्या है गाइस, ये ज़मीन चक्कर है मरकरी का, ये मे बी गाइस पता नहीं कितने का पड़ा था यार, ये 60-70 रुपये का मेरे को शायद मिला था, ये 10 पीस है इसमें, ठीक है। तो इसको भी साइड करते हैं,
अभी टेस्टिंग करके देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। एक और रॉकेट बॉम्ब है वही वाला जो मैंने आपको भी दिखाया, 60 रुपये बॉक्स, बढ़िया यार, क्या लोगे 60 रुपये में। ठीक है तो इसको भी साइड रखते हैं। और भाई ये देखो स्पेशल चीज़, माचो की बनियान। हाँ तो भाई माचो की बनियान नहीं है इसके अंदर, 100 रख रखा है मैंने। काफ़ी सारे बुलेट बम आपको देखने को मिलेंगे इसमें, अगर आपको दिख रहा हो तो। एक मिनट देखो, काफ़ी सारे बुलेट बम मैंने इसके अंदर रख रखे हैं, ये पिछले साल के बचे थे और मैंने साल टेस्टिंग करी थी ना भाई, बहुत ही बढ़िया फट रहे हैं भाई, मजाक से हट के मज़ा सा आ जा रहा है इनको चला के। और एक बार बताऊँ, ये जो बुलेट बम है ना, ये वाले ही हैं, ये मतलब जो इसके अंदर डब्बे के अंदर है वो खुले हुए रहते हैं, ये समझ लो बस। पहले भी लाया हूँ मैं इसको, और इसमें निकला भाई एक ये हमारा निकला जेली बेली, ये 200 रुपये का पड़ा है मेरे को, ये राजेश्वरी कंपनी का है इसलिए 200 रुपये का पड़ा है। राजेश्वरी तुम्हें बताइए थोड़ा फेमस ब्रांड है, 12 मल्टी कलर के रैकलिंग बता रहे हैं इसमें। बाकी देखते चला के भाई कैसे लगते हैं, क्या फ़र्क है, क्या इसमें और इसमें डिफरेंस है। ठीक है ये देखो एक और मरकरी का जमीन चक्कर, इसको भी साइड रख देते हैं। और वाकई अब दिखाता हूँ आपको और भी तगड़ा सौदा 2-in-1। ये देखो भाई अनार की मैं काफ़ी सारी वैरायटी लेके आया हूँ, जिसमें ये 2-in-1 है। एक मिनट खुलेगा कहाँ से, हाँ आप देख सकते हो डिब्बा थोड़ा सा फट गया है खोलते टाइम में। तो ये है 2-in-1, इसको 10 अनार मिलेंगे भाई। ये देखो ये 10 अनार मिले हैं मेरे को, और ये अलग अलग कलर्स के हैं। ठीक है 2-in-1 टाइप, मतलब वैसे मैंने सुना है गोल्डन और सिल्वर कलर का इनमें से जो फुआरा टाइप निकलता है। ये मेरे को 250 रुपये का एक बॉक्स पड़ा है, ठीक है पर बॉक्स 250 रुपये का। और दिवाली के टाइम पे ये आपको 350-450 रुपये का मिलेगा। ठीक है तो अभी ले लो, खुद वेट है इसमें कम से कम, ये पता कितने का होगा, 10 किलो का होगा आराम से, 7-8 किलो इतना तो होगा आराम से यार, ये बहुत वेट है यार। उसको यहाँ रखते हैं हम 555 के बगल में, और एक डब और लेके आया मैं 2-in-1 का। तो भाई ये लो, कट्टा भी हमारे इस टाइम खाली हो गया है, सही है रहा, वही सेम 2-in-1 है। ठीक है इनको चला के देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द इनकी सबकी टेस्टिंग वीडियो भी आने वाली है। तो भाइयों ये देखो, ये सारा कुछ हमारा स्टॉक और स्टैश आप कह सकते हो फिलहाल के लिए, जो मैंने अपने वीडियो में दिखाया है, आगे क्या पता है स्टैश बढ़ जाए और। ठीक है बाकी नाजी का भी जुगाड़ करते हैं जल्द से जल्द, दोबारा स्टॉक में करते हैं नाजी को, नाजी डिमांड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या बताएं भाई। अब इन बम की एक बार सिनेमैटिक शॉट्स देता हूँ आपको, ठीक है क्योंकि ऐसे दिखने भी होंगे तुम्हें। तो ये है फाइनल हमारा स्टैश जो 2 कट्टों में से निकला है अभी, ठीक ठाक स्टैश है भाई, काफ़ी ठीक लग रहा है ना भाई। देखो हम मोटे वाले बम भी बहुत सारे हैं, रॉकेट भी हम पे काफ़ी सारे हैं, सबको टेस्ट करेंगे आने वाली वीडियो में। तो वीडियो ज़रूर से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना गाइस। बाकी मैं मिलूंगा आप सबसे अब एक और नई क्रैकर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।